रहिम अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे मजे में होंगे और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल शाजिया खान डेली रूटीन पे तो जनाब अभी है शाम का टाइम और ये संडे की मेरी रूटीन है शाम की तो आज ही मैंने आपके साथ जो है ना न्लॉग शेयर अपना व्लॉग बनाया और शेयर कर दिया तो अभी पाँच बजे का टाइम था मैंने चाय बनाई थी और हस्बैंड लेकर आए थे केक और जैसे कि आज संडे है तो बच्चों की ड्रेस भी वॉश करने थे तो वैसे तो मेट आती है वही जो है ना कपड़े वॉश करती है और घर की क्लीनिंग भी वही करती है साफ़ सफाई तो लेकिन वो नहीं आ रही उसने मुझे दे दिया है जवाब और जवाब इसलिए दिया है कि उसकी है तबीयत खराब और घर मेरा जो है ना ऊपर का है तो उसके जो है ना घुटनों में या पैरों में पेन वगैरह है तो वो अब नहीं आएगी तो भाई सारा बर्डन जो है ना काम का मेरे पर और मेरी बड़ी बेटी के ऊपर आ गया जो कि वो भी स्कूल जाती है तो अभी जो है ना हम थोड़ा थोड़ा काम अपना निपटा रहे तो सफाई वगैरह हमने कर ली है और यहाँ मैं ड्रेस अभी वॉश करने लगी हूँ मैंने अभी भिगोए और यहाँ पर जो है ना मरियम के नखरे देखे मरियम को मैं कह रही हूँ मरियम थोड़ी सी वीडियो मेरी बना दें तो मरियम जो है ना बड़े नखरे दिखा रही हैं तो यहाँ पर ये यह देखे मैं दिखा रही हूँ किचन वगैरह हमारा क्लीन हो गया है और जो है ना सफाई वगैरह हमने कर ली आज मैंने जो है ना अपना ओवन भी साफ़ किया था जो कि मेरा ओवन बहुत पुराना है बारह तेरह साल पुराना मेरा ओवन है लेकिन उसके अंदर जो है ना अभी दाग इस तरह के लग गए हैं कि वो जिद्दी दाग जो होते हैं ना वो निकलते नहीं है वो वाले उसमें दाग लग गए तो मैंने काफी यूट्यूब से सर्च करके टिप्स वगैरह निकाली उस टिप्स से मैंने साफ करे लेकिन मेरा ओवन जो है ना बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ क्लीन होता तो मैं आपके साथ वो टिप्स जरूर शेयर करती और यहाँ जो है ना हस्बैंड अभी लेकर आ गए करेले तो आज मैं बनाऊंगी कीमा करेले और आपके साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी और यहाँ पर जो है ना मैंने अभी करेलों को छीला है और गोल गोल उन्हें काट लिया है और काट के जो है ना नमक लगाकर उन्हें वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद जो है ना अभी मैं इन्हें कर रही हूँ फ्राई और इन्हें गोल्डन फ्राई करूंगी तो गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें फिर निकाल लेंगे हैं निकाल लेंगे हम और जो है ना मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और एक तरफ जो है ना मैंने प्याज चॉप कर ली है और ये हैं दो प्याज दरियानी साइज की वो डाल दिए मैंने ये जब प्याज में कलर आ गया तो मैंने लहसन अदरक दो चम्मच डाल दी इसके अंदर और इसे भूनेंगे लहसन अदरक को प्याज के साथ और फिर डाल देंगे इसके अंदर कीमा तो कीमा मैंने वॉश करके रख लिया है और कीमा जो है ना ये बकरे का है तो हमारे घर जो है ना बकरे मतलब मटन ही ज्यादा बनता है बकरे का गोश्त ही ज्यादा बनता है क्योंकि हस्बैंड यही लाइक करते हैं तो ज्यादा यही बनता है और अभी जो है ना मैंने अब प्याज के साथ और लहसन अदरक के साथ कीमे को करेंगे खूब फ्राई अच्छा सा और यहाँ मैंने डाल दिए दो बड़े साइज के टमाटर चॉप करके और अब डालेंगे ड्राई मसाले ड्राई मसाले में जाएगा डेढ़ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें और आधा चम्मच जो है ना कुटी हुई मिर्चें डालूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्चें और डेढ़ चम्मच मैंने सूखा धनिया डाल दिया पिसा हुआ हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए और थोड़ा सा एक दो मिनट भून के उसको और फिर मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद मैंने स्लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया पकने के लिए ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कीमा भी हमारा अच्छा से गल जाए और उसके बाद जो है ना मैंने अच्छा से इसको जो है ना भून लिया भूनने के बाद जो है ना मैंने अभी करेले डाल दिए और करेले डाल के एक दो मिनट मैंने इसे जो है ना ढककर पकाया था उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिए यह हरी मिर्चे बीच में से कट लगाकर मैंने साबुत डाली है हरी मिर्चे और ऊपर से डाल दिया हरा धनिया बारीक काट के और डालेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला तो पिसा हुआ गर्म मसाला मैंने जो है ना इसके अंदर आधा चम्मच डाला है बाकी जो है ना बड़े मजे का कीमा करेले बना था और मैंने बिल्कुल भुना हुआ खुश्क होता है ना उस टाइप का मैंने बनाया था जैसे कि आपको इसकी शिकल भी नजर आ रही है बहुत मजेदार जो है ना कीमा करेले बना था तो अभी आपको जो है ना यहाँ मैं खाकर भी दिखा रही हूं बहुत ही मजेदार हमारा कीमा करेला यहाँ पर तैयार है और अगर आपको मेरी रेसिपी मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं छोटा सा व्लॉग था अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें वीडियो को तो फिर मिलेंगे कोई अच्छे से व्लॉग के साथ अच्छे से रेसिपी के साथ दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़